हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल स्कारलेट राइडर। तो जैसे कि आप मेरा कैप्शन देख चुके हैं, इस बार जो है मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो है हीरो का गोप्रो 9। मैंने जब से ये कैमरा लिया है इसमें मेरा जो व्लॉगिंग एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एंड मुझे बहुत अच्छी वीडियोस मिली है। और इसकी टेस्टिंग के तौर पे इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे कि टाइम लैप्स जो आप मेरे चैनल पे अभी मैं थोड़ी देर में इसको रन करूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और इसमें मैंने सिनेमैटिक वीडियोज़ डे लाइट में मैंने इसको कैप्चर किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, जो मैं चाहूँगा डेफिनेटली आप देखें। और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट जितना अच्छा प्रोडक्ट है इसमें कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारी आती है सेटिंग्स को लेकर। मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स चेक डाली हैं, उनके बारे में रीड किया है, उसके बाद मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो मैं सेटिंग आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप डेफिनेटली देखिए। अपने जो न्यू व्लॉगर्स हैं जो चाहते हैं कि गोप्रो के साथ वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब में, डेफिनेटली वो इन सेटिंग्स के साथ अपनी व्लॉगिंग कर सकते हैं और अच्छी वीडियोज़ बना सकते हैं ताकि व्यूअर्स को भी देखने में मज़ा आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम टाइम लैप्स ओपन करेंगे, टाइम लैप्स की सेटिंग में जाएंगे हम लोग। हम टाइम लैप्स रैप में नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि फास्ट टाइम लैप होता है ये, बट मैं नॉर्मल टाइम लैप्स में जाऊंगा। मैंने चेक किया था इसका, मैं रीड किया तो लोग 4K टू 5K रेजोल्यूशन रख रहे हैं, बट मैंने इसका 1080 रखा हुआ है, लेंस वाइड रखा हुआ है मैंने। इसका इंटरवल टाइम मैंने 0.5 सेकंड्स रखा हुआ है, बाकी आपको ऑटो मिल जाएगा। बस ईवी कैम फिर से मैंने इसको 0.5 कर दिया माइनस में, बिटरेट हाई रखा हुआ है। और इसका मैंने इस बार iOS मैक्स मैंने इसमें 800 पे शूट किया था, शार्पनेस मैंने हाई रखी हुई थी। और बाकी आपको ऑटो सेटिंग्स मिल जाएंगी इसमें, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जब आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो पहला स्टैंडर्ड होगा, आप इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सिनेमैटिक, स्लो मो, स्टैंडर्ड, एक्टिविटी। तो हम स्टैंडर्ड में क्लिक करेंगे। मैंने इसको 4K पे सेट किया हुआ है 24 FPS में। इसका जो मैंने लेंस है लेनियर प्लस HL में मैंने सेट किया हुआ है, हाइपर स्मूथनिंग मैंने हाई रखी हुई है। और इसका हिंड साइड भी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, टाइमर ऑफ है, जूम मैंने 1x पे ही रखा हुआ है जो ऑटो सेट है। उसके बाद हम आते हैं बिट रेट, इसको मैंने हाई रखा हुआ है, शटर ऑटो में रखा हुआ है। इसका ईवी कॉम जो है मैंने -0.5 में रखा हुआ है। इसका वाइट बैलेंस मैंने ऑटो रखा है, आप चाहते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंगली, डे लाइट या नाइट के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। मैंने iOS इसका 100 रखा हुआ है, इसका iOS मैक्स जो है मैंने 1600 रखा हुआ है, बट जो मैंने रीड किया था इस एडिटिंग के लिए तो उसमें 800 लोगों ने सेट किया हुआ था, बट मैंने इसको 1600 किया। आप चाहते हैं तो उसके 800 भी सेट कर सकते हैं। शार्पनेस मैंने हाई रखी है और कलर GoPro ही रखा हुआ है ऑटो में, रो मैंने ऑडिट ऑफ किया हुआ है। बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी ऑटो सेट है इसमें। जो मेजर चेंजेस हैं आप इसमें देख सकते हैं, अपने कैमरे को भी कर सकते हैं। एक्टिविटी को मैं अगर देखूं तो मैंने इसको 2.7 किया, अगर चाहते तो 4K में रख सकते हैं। लेंस इसका लीनियर प्लस HLE रखा हुआ है मैंने। और फिर से मैंने ईवी इसमें भी -0.5 रखा हुआ है, बिट रेट इसका मैंने हाई रखा है, वाइट बैलेंस मैंने ऑटो ही रखा हुआ है, और iOS मैक्स मैंने इसको 1600 रखा हुआ है, सो मैंने उसी में सेट किया हुआ है। अगर आप चाहते तो फिर मैं इससे बोलूँगा आप 800 में भी सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। हम सिनेमैटिक ओपन करेंगे, सिनेमैटिक में मैंने 4K 30 FPS में किया हुआ है। लेंस मैंने लीनियर प्लस HL रखा हुआ है।
ईवी कॉम मैंने फिर से -0.5 रखा है और बैटरी इसका हाई रखा हुआ है, बाकी चीज़ें मैंने एज इट इज छोड़ दी है, बस iOS मैक्स मैंने इसको 1600 रखा हुआ है। स्लो मूव भी मैंने यही किया हुआ है, सेम आपको जो है चेंजेस मिलेंगे, सेटिंग्स मिलेंगी। हम बाहर आ जाएंगे और अगर इसको आपने टाइम लैप्स करना है, हम टाइम लैप्स में जाएंगे। I can see.